इसलिए उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की है, बहुत उम्मीद लोगों को थी और हम सब चाहते थे। हमारी सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को आग्रह भी किया कि इस धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक के नाम पर उसको प्रचलित करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं। और ना ही प्रधानमंत्री जी ने ERCP के बारे में दोबारा कहा, जब पहले वो प्रदेश में आए थे, चुनाव चल रहे थे, उन्होंने अपने खुद मुंह से कमिटमेंट किया था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे ERCP को, वो भी उन्होंने किया नहीं। उसका हम सबको खेद है, मुझे उम्मीद थी कि ये इस बार कर देंगे लेकिन उन्होंने किया नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बढ़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बढ़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बढ़ाइयाँ करी हैं, इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक CLP की मीटिंग कॉल की गई थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद AICC ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इनडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ में जो